हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल चैनल इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो उन यूट्यूबर्स के लिए बना रहा हूँ जो वीडियो को एडिट कर कर अपने मोबाइल फ़ोन से अपलोड करते हैं, तो वो वीडियो काफ़ी अच्छी तो नहीं दिखती, इसलिए हम उसमें मोबाइल फ्रेम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो मोबाइल फ्रेम को कैसे यूज किया जाता है अपने वीडियो के ऊपर, तो आज मैं आपको यही सब बताने जा रहा हूँ। तो सिंपली फ्रेंड्स, आप अपने प्ले स्टोर को ऑन कर लेंगे। प्ले स्टोर को ऑन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सिंपली काइन मास्टर सर्च कर लेना है। फ्रेंड्स, काइन मास्टर एक ऐसी एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, जिससे आप आसानी से अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आप उसमें फ्रेम ला सकते हैं, उसमें अपना ऑडियो अलग से ऐड कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है, तो सिंपली ओपन कर लेंगे। फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने नज़र आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें दो चीज़ पहले से ही करके रखनी है। तो फ्रेंड्स, वो दो चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले फ्रेंड्स, आपको एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है अपने मोबाइल से, या जिस वीडियो को भी आप एडिट करना चाहते हैं वो आपके पास होना चाहिए। और सेकेंड फ्रॉम, आपको PNG फॉर्म में मोबाइल फ्रेम को किसी भी ब्राउज़र से डाउनलोड कर लेना है, जैसे जिस जो आपका वीडियो के ऊपर आएगी। तो फ्रेंड्स, प्लस के चिन्ह पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो टाइप के प्रोजेक्ट नज़र आ रहे होंगे, तो आपको एम्प्टी प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर फ्रेंड्स, कुछ ऐसा इंटरनल इंटरफेस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से फ्रेंड्स, आपने अपना जो रिकॉर्डिंग वीडियो है उसको आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर टिक मार्क पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर इमेज पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको जो PNG फॉर्म में जो डाउनलोड कर रखा है मोबाइल फ्रेम, आपको उसको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो जिस फोल्डर में भी आपका वो, उसे आप वहाँ से सेलेक्ट कर ले। जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट कर लिया फ्रेंड्स, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब यहाँ से अपनी सारी वीडियो को इस तरह से खींच कर पूरे के पूरे फ्रेम में लाना है, जिससे फ्रेंड्स ये होगा कि ये पूरी वीडियो में आपको ये फ्रेम नज़र आएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये नहीं नज़र आएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसको इक्वल कर दिया है। अब फ्रेंड्स, आपको सिंपली यहाँ पर अपने मोबाइल जो फ्रेम है उसको खींच कर इसके साइज में लेकर आ जाना है। फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से आप इसको मैच कर ले, कुछ भी कटे छटे नहीं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से मैंने इसे फिक्स कर दिया है। तो आपको यहाँ पर जब आप कंफर्म हो जाए कि अच्छी तरह से फिक्स हो गया है, तो यहाँ पर टिक मार्क पर क्लिक करके इसे आप सेव कर सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, ये वीडियो तैयार हो चुकी है, लेकिन मैं आपको कुछ और भी इसमें कर दिखा देता हूँ। जैसा कि आप इसमें अपना कुछ यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसा कि प्लीज़ सब्सक्राइब में, या जो आपको पसंद हो। तो सिंपली फ्रेंड्स, यहाँ आपको लेयर पे क्लिक कर लेना, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो टेक्स्ट पर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो भी आपको टाइप करना है लिख लें। जैसा कि फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चैनल का नाम लिख लिया है, तो आप इसे अच्छे से सुटेबल जगह पर आप इसे फिक्स कर सकते हैं, और यहाँ पर टिक मार्क पे क्लिक कर ले। इस तरह से फ्रेंड्स, ये आपके वीडियो के नज़र में आएगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं कि आप इसमें चाहे तो यहाँ पर से आप ऑडियोज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑडियो या सॉन्ग को, बॉलीवुड सॉन्ग को आप यहां से ऐड कर सकते हैं। तो मुझे फ़िलहाल कोई ऐड सॉन्ग नहीं करना है, तो मैं यहां से बैक हो जाता हूं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पर आप अपने एक ऑप्शन और हमें नज़र आ रही होगी वॉइस का। तो फ्रेंड्स, आप यहां से इस स्टार्ट बटन पर क्लिक करके यहां पर से आप वॉइस को रिकॉर्ड करके भी वीडियो में डाल सकते हैं। बाद में भी आप इसमें रिकॉर्ड कर वीडियो में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप यहाँ पर वीडियो को एडिट कर सकते हैं, और भी बहुत से ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो आप चाहें तो इस ऐप को यूज कर सकते हैं
एक बार तो आप इसे आपको जरूर यूज करिए फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी अच्छी एडिटिंग ऐप है फ्रेंड्स। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले या मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर ऐप अच्छी लगी तो रख लेना, और ना अच्छी लगे तो फिर इसे अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब आपको सिंपली यहाँ से कुछ करना नहीं है, बस आपको यहाँ से ये टिक मार्क नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है सिंपली फ्रेंड, तो ये सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद फ्रेंड्स आप चाहे तो इसे यहाँ से ये थ्री डॉट पे जो आप डिलीट भी कर सकते हैं, इसे आप प्ले करके भी देख सकते हैं, और यहाँ पर शेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसे डायरेक्ट यूट्यूब, गूगल या गूगल प्लस पर डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप यहाँ पर सेव वीडियो टू गैलरी भी कर सकते हैं, यानी आपकी वीडियो ये गैलरी में सेव हो जाएगी और जब मन चाहे जब आप इसे अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये कुछ काइन मास्टर काम करती है। आगे की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि आप एक अच्छा थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर, और पसंद ना आए तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।